नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा। जल्द ही आप लोगों के बीच में एक नया ट्विस्ट और नया खुलासा होने जा रहा है, जब आप लोग देख पाएंगे कि मीत अलावत की फिर से वापसी होती है। जी हाँ, क्योंकि मीत हुड्डा के साथ में जबरदस्ती करने की प्लानिंग कर रहे हैं मनमीत पहलवान और उसके घर वाले, उसके फादर जो कि सरकार, क्योंकि सरकार इस समय बहुत ज़्यादा जबरदस्ती कर रहा था कि हमारे लड़के ने इससे शादी की है, अब इसको हमारा हुक्म बजाना ही होगा, अब ये हमारे लड़के की जो कि लुगाई बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, जल्द ही अब आप लोगों के बीच में मीत अलावत की फिर से वापसी होने जा रही है। सूत्रों के अनुसार खबर मिल रही है कि मीत अलावत की वापसी बहुत ही अलग तरीका से होने जा रही है। आप लोग जानते ही हैं कि मीत हुड्डा के लिए ये सबसे अच्छा मोमेंट्स होने जा रहा है, क्योंकि सभी लोगों ने आस छोड़ दी थी कि आखिरकार मीत अलावत की कभी वापसी भी होगी। लेकिन दोस्तों, सबका सब खेल जो कि अब पूरी तरीका से अलग तरीका से खेलते हुए नजर आने वाले हैं, और इस बार जो कि कहानी में एक नया ट्विस्ट और भी देखने को मिलेगा। नया ट्विस्ट क्या है वो भी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जल्दी ही आप लोग देख पाएंगे कि मीत हुड्डा बोलती हुई नजर आने वाली है कि भगवान के पास में देर है अंधेर नहीं, अब तुम लोगों की किस तरीका से बैंड बजती है तुम खुद ही लोग देख लेना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मनमीत पहलवान ने ये प्लान इस तरीका से रचा था कि अगर मैं एक दिन के लिए मीत हुड्डा से शादी करता हूं तो इसे अपनी मां के चरणों में गिरा दूंगा और ऐसा तड़पाऊंगा कि ये जिंदगी भर जो कि हमें भूल नहीं सकती है कि हमने इसके साथ में क्या किया है। क्योंकि दोस्तों, बदले की भावना के लिए शादी करने का प्लान था जो कि मनमीत पहलवान का। लेकिन सूत्रों के अनुसार खबर मिल रही है कि मीत अलावत की वापसी होने के बाद में मीत हुड्डा और पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश होता हुआ नजर आने वाला है। हालांकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जल्दी ही एक बार फिर से पुलिस का भी आगमन होगा और सरकार और उसके बेटे की गिरफ्तारी भी होने जा रही है। आखिरकार इस चीज़ में कितनी सच्चाई है वो तो समय आने पर पता ही चल जाएगा। साथ ही दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं गाइस। थैंक यू।